तो क्या हो अगर मुझे सरवाइव करने हो 100 डेज, वो भी एक वीरान टापू पे जहाँ पे सिर्फ एक पेड़ है और चारों तरफ सिर्फ ओशन ही ओशन, तो क्या यहाँ मैं सरवाइव कर पाऊंगा? वेल, जानने के लिए सीरीज को पूरा देखना। और ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे मैंने कवर कर रहे हैं 25 डेज, बड़ी मुश्किल से। ये कौन बोला? और साथ ही ये होने वाला हमारा हार्डकोर मोड, यानी कि कुछ नहीं, बस इन्होंने रिस्पॉन वाला ऑप्शन ही हटा दिया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा ये ग्राफ देखो, बाकी कुछ नहीं, अगर तुम लोग 96% में आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो तो डे वन को मैं स्पॉन हूं एक आइलैंड पे, जहां पे कि मेरे सामने था एक ट्री और बेसिक चीजों के लिए मुझे उसे तोड़ना ही था। तो मैं उसे तोड़ने जा रहा था कि तभी मैंने देखा सामने ओशन में एक शिपरेक भी है जहां से मुझे और एडिशनल कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो फिर जाकर मैंने आराम से ट्री को चॉप करा और सामने मेरे काफी सारी घास भी थी तो मैंने उसे भी पूरा हटा दिया ताकि मुझे वहां से वीट सीड मिल जाए। वेल, घास से वीट सीड मिलना है, वेलकम टू माइनक्राफ्ट लॉजिक। और फिर मैं अपने आसपास देख ही रहा था कि मैंने देखा मेरे सामने कुछ ओशन स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि ओशन में नहीं है, लेकिन खैर ये भी मेरे लिए अच्छा ही था कि मुझे जाकर वो खतरनाक सी मॉन्स्टर से लड़ना नहीं पड़ेगा। और वो मेरे काफी पास ही थे तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जाकर इन्हें को लूटा जाए, इनसे मुझे कुछ बेसिक चीजें मिल सकती थी। तो मैं सीधे चला गया उनको लूटने और मैं रास्ते में जा ही रहा था कि तभी और सच्ची में ये चिड़ी वाला मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब अभी इसने मेरा गेम खत्म कर दिया था, असली में भी और गेम में भी। मतलब लिटरली इसने मुझे सिर्फ 2 हार्ट पे छोड़ा था। इवन मुझे तक यकीन नहीं हुआ कि मैं ये कैसे सरवाइव कर गया। और फिर जैसे तैसे बच के मैं स्ट्रक्चर के जैसी पीछे आया, वहां एक लॉलीपॉप वाला अलग ही उदास खड़ा था और अगर वो मुझे हल्का सा भी टच करता तो तो इसलिए मैंने दूर से उसके रैप्ट बजाए। तो मुझे जरूरत थी कुछ फूड की ताकि मैं अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं इन स्ट्रक्चर्स को लूटा जाए, शायद से मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो वहां मैंने एक चेस्ट खोली जिसमें से मुझे मिला सिर्फ एक रॉटन फ्लैश जिससे मैंने सिर्फ 1-2 हार्ट ही रिकवर करे थे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट चेस्ट खोली जिसमें से मुझे मिले 2 वीट जिनका मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इवन माइनक्राफ्ट गॉड भी मेरे साथ मजाक करने लगे थे। लेकिन वहां पे एक नेक्स्ट ऑप्शन भी था, मैं फिशिंग कर सकता था। तो वहां पे एक फिशिंग रॉड भी थी जिसमें ल्योरवन लगा हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी फिशिंग करी जाए, शायद से मुझे फिश ही मिल जाए तो उससे मैं अपनी हेल्थ रिस्टोर कर पाऊं। तो मैंने काफी देर फिशिंग करी लेकिन मुझे सिर्फ एक ही फिश मिली। और फिर मैंने सोचा कि ना अपने आइलैंड पे वापस आ जाए क्योंकि ऐसे तो सरवाइव हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने और फिर मैं अपने आइलैंड पे वापस पहुंच गया और वापस आते मैंने देखा मेरे आइलैंड पे कुछ फूड कुछ एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे। तो अब इस आइलैंड पे मैं अकेला नहीं था और इतने समय शाम भी हुई थी तो मैं नहीं चाह रहा था कि रात होते यहाँ कुछ और लोग कंपनी देने आ जाएं। तो मैंने सोचा कि ना अपने आइलैंड को लाइट अप किया जाए और कोल तो मुझे मिल ही गया था वो 2 हार्ट की बदौलत। और फिर मैंने अपने आइलैंड को लाइट अप करा और वैसे लाइट अप के बाद भी ये आइलैंड सेफ नहीं था तो मैंने सोचा कि ना आज की रात माइनिंग में बिताई जाए। और पूरी रात माइनिंग के बाद अगले दिन मैं वापस आया और मैंने देखा कि मेरा एक ट्री भी ग्रो हो चुका है। तो मैंने जाकर सबसे पहले उसे कट करा और साथ साथ मेरे पास सीड भी थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा फार्म भी बना लिया जाए जो कि मुझे डे वन पे करना चाहिए था, लेकिन डे वन तो तुम्हें याद ही होगा। तो फिर मैंने जो है एक छोटा सा फार्म भी बनाया और साथ साथ मैंने देखा कि मेरे आइलैंड पे एक चिकन भी स्पॉन हो चुकी है तो और फिर मैंने कुछ और सीड इकट्ठा करे और इतने में शाम भी हो चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक शेयर बनाकर कुछ शीप्स को ही नंगा करा जाए। और फिर ऐसे करके मैंने अपने लिए बेड भी बना दिया। इवन डे 3 तक भी मेरी हेल्थ फुल नहीं हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अब फिशिंग ही करी जाए क्योंकि वीट को उगने में भी काफी टाइम लगने वाला था। फिर काफी देर फिशिंग करने के बाद फाइनली मैंने अपनी हेल्थ पूरी रिकवर करी और अभी मेरे पास फूड के लिए कुछ फिशेज भी थी। और फिर उसके बाद मैंने एक बोट बनाई और मैं चला गया शंकर को लूटने की शायद से मुझे वहां से कुछ मिल जाए। और शंकन से मुझे गाजर भी मिल गई थी जिसके मुझे 2 फायदे थे, एक तो मैं अपने फूड के सोर्स के लिए यूज कर सकता था, दूसरा मैं इससे अपने फूड के सोर्स को बढ़ा सकता था। और उसके साथ ही मुझे इसमें कुछ बोटल एंचेंट भी मिले थे जो कि मुझे पूरे माइनक्राफ्ट में पहली बार ही मिले थे। मुझे लगा था ये सिर्फ क्रिएटिव मोड में ही मिलते हैं। और उसके बाद हमने घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी एक बच्चे ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। ए सब कुछ खाने को दो ना सब। और डे 4 को सबसे पहले मैंने गाजर उगाई और उसके बाद मैंने एक चेस्ट बनाई जिसमें मैंने सारा सारा फालतू सामान रख दिया। और इतने में मेरे बेस के नीचे से कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही थी
तो मुझे लगा शायद से नीचे कुछ ज़ॉम्बी स्पॉनर हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा शायद से हो सकता है। और उसके बाद मैं नीचे गया तो नीचे एक छोटी सी केव थी। शुरू होते ही खत्म हुआ यार, खाली फुद्दू कटा मेरा। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना फिर माइनिंग ही करने चला जाए, और उसके बाद मैं सीधा माइनिंग करने चला गया। और काफी देर माइनिंग के बाद फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स मिली गए। मुझे टोटल 5 डायमंड्स मिले थे और उन्हें लेकर मैं फिर वापस आ गया था। और इतने में डे 5 की सुबह हो रही थी और उसके बाद मैंने देखा कि एक कछुआ मेरे फार्म की प्रोटेक्शन कर रहा था, पता नहीं क्यों पर कर रहा था। और उसके बाद मैंने फिर बोन मिल से कुछ और कैरेट्स उगाए और फिर थोड़ा सा अपने फार्म को एक्सटेंड करा, और उसके बाद थोड़ा सा शिप्स और पिक्स के भी थोड़े से वंश को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। एंड से माइनिंग के बाद मेरे पास काफी सारा आयरन भी हो गया था, तो या इट्स टाइम कि अब मैं आयरन मैन बन जाऊं। वेट, मेरे कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड कहाँ है? और डे 6 को मैंने सोचा कि ना आइलैंड को ही थोड़ा सा प्लेन करा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में अगर मैं कोई भी बिल्ड करूं तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आइलैंड को ही प्लेन करने का सोचा। और साथ साथ मैंने एनिमल्स का भी एक फार्म बना दिया था जहां पे वो आराम से रह सकते थे और मुझे उन्हें ढूंढने में कोई भी दिक्कत भी नहीं आती। और डेसन को मैं पिक्स को भी उनके नए घर में ला गया था, और उसके बाद मैं चला गया सीधा माइनिंग करने। और इस बार ही मैं गया था ऑब्सीडियन लेने क्योंकि मैं सोच रहा था नेदर में जाने की, और काफी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक जगह मिली गई जहां से मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट कर सकता था, और फाइनली मैंने कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट करे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और माइनिंग करी जाए क्योंकि मुझे डायमंड की भी जरूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी और माइनिंग करी और फाइनली काफी देर माइनिंग के बाद मुझे डायमंड्स मिली गए, और इस बार मुझे 4 डायमंड्स मिले थे। मैं नहीं चाहता कि मैं और इसमें टाइम वेस्ट करूं क्योंकि बहुत ज्यादा ही टाइम लगा था मुझे इस बार ढूंढने में, तो फिर मैं चुपचाप से वापस आ गया। और इस बार डेट और था तो डेट को मैंने कुछ नहीं करा, बस छोटे मोटे काम करे, थोड़े बहुत वीट वगैरह तोड़े, थोड़े बहुत फार्म वगैरह में करा। और डे 9 को मैं अपने घर बनाने की सोची, लेकिन घर के लिए मुझे काफी सारे वुड की जरूरत पड़ने वाली थी, तो घर से पहले मैंने सोचा कि ना एक ट्री फार्म ही बना लिया जाए, तो डे 9 को मैंने अपने लिए एक ट्री फार्म बनाया। और डे 10 को मैं अपने फार्म पे वापस आया कि मैंने देखा कछुआ भाई जा चुके हैं। मुझे काफी बेकार लगा क्योंकि इतना टाइम वो साथ में थे फिर आखिरी में चले गए, और ये मैं सोच ही रहा था कि तभी मैंने नीचे देखा कछुआ भाई मेरी मुर्गी चुरा रहे थे। मैं कछुआ भाई को अच्छा समझ रहा था और कछुआ भाई काफी बड़ी प्लानिंग के साथ मेरी मुर्गी चुराने के लिए आए थे। और डे 12 को मैंने अपने घर के लिए अपने आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड करा क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा छोटा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा इसे चौड़ा किया जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये घर बनाते हुए मुझे कोई दिक्कत आए, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। और उसके बाद फाइनली डे 13 को मैंने अपना स्टार्टर बेस बनाना स्टार्ट करा। और डे 17 को घर पे काम करके मैं सोने जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा मेरे ट्री फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका था, और इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही तरीका था विलेजर्स को लाने का कि मैं उन्हें ज़ॉम्बी विलेजर से क्योर करूं, तो अब जो है मुझे इसे किसी तरह बचाना था, तो मैंने एक छोटा सा गड्ढा करा और प्यार से उसे उसमें बिठा दिया।
और डेढ़ दिन तक घर ऑलमोस्ट बन चुका था, बस इसमें थोड़े बहुत डेकोरेशन का काम था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाए, और तब तक मैं अपने जॉमी ब्लेजर को क्योर करने के लिए सारी चीजें लेकर आऊं। उसके लिए मुझे जाना था नेदर में, और अगर तुम्हें याद हो तो मैं ऑब्सिडियन काफी पहले कलेक्ट करके ला चुका था, लेकिन उस टाइम मैंने नेदर का प्लान ड्रॉप कर दिया था क्योंकि नेदर में जाने का उस टाइम कुछ फायदा नहीं था। लेकिन अभी जो है अभी टाइम आ चुका था नेदर में जाने का। तो वैसे मैं नेदर में कुछ सोच के नहीं गया था कि मुझे ये जगह स्पॉन हो ये जगह, मैं वैसे कुछ सोच के नहीं गया था। लेकिन जैसे मैं स्पॉन हुआ मैंने सामने देखा, सामने मेरे नेदर फोर्ट्रेस दिखा मुझे, और वैसे नेदर फोर्ट्रेस मेरे सामने था ही, लेकिन मेरी काफी ज्यादा फटी हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि ना ऐसा किया जाए कि मैं चुपचाप से जाऊंगा और जैसे मुझे नेदर रॉड मिलेंगे मैं चुपचाप से सीधा वापस आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी भूल गया था कि मुझे ब्लेज रॉड्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिर मैं चला गया और लिटरली मैं नेदर फोर्ट्रेस में स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, और फाइनली माइनिंग करते होते मैं पहुंच गया नेदर फोर्ट्रेस में। और नेदर फोर्ट्रेस में मैं सबसे पहले एक चेस्ट के नीचे ही आया, और उस चेस्ट में से मुझे दो गोल्ड इनगेट मिल गए थे। उसके बाद मैंने उछल उछल के देखा कि सामने आसपास कुछ है तो नहीं, लेकिन सामने एक और चेस्ट थी तो मैंने फिर से माइनिंग स्टार्ट करी। और थोड़ा सा और आगे जाने पर फिर मैंने वो चेस्ट भी लूटी, उसमें से भी मुझे कुछ इतना खास नहीं मिला था। फिर उसके सामने एक और चेस्ट थी, और उसके जहां तक मैं पहुंच ही रहा था कि मैं अपने आसपास देख ही रहा था, सामने मुझे नेदर वॉट की खेती मिल गई। और फिर मैंने जैसे चेस्ट खोला मुझे चेस्ट में से भी नेदर वॉट मिल ही गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे नेदर वॉट कलेक्ट करे कि पहले कोई विदर स्केलेटन वगैरह ना आ जाए, और इतनी एक्साइटमेंट में मैं ये भूल ही गया था कि मुझे ब्लेज रॉड्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। और फिर आधे रास्ते जाने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे ब्लेज रॉड्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने जैसे तैसे करके फिर उसे वापस आया, और अब मुझे ढूंढनी थी ब्लेज, और लकीली जैसे मैं छत पे आया मुझे ब्लेज दिख भी गई। और फिर जैसे तैसे करके मैंने दोनों ब्लेजेस को मार भी दिया, और दोनों ब्लेजेस में से मुझे किसी के पास से भी ब्लेज रॉड नहीं मिली। और फिर मैं आसपास देख ही रहा था कि मुझे दूर कहीं से एक ब्लेज दिखी गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही दूर था और उतनी दूर मैं जाना नहीं चाहता। फिर मैंने देखा कि बगल वाली छत में भी दो ब्लेज स्पॉन हो चुके हैं, तो मैं अब फिर से गया उनको मारने, और जिस जैसे करके मैंने फिर से मार ही दिया, और फाइनली मुझे एक ब्लेज रॉड मिलेगी। और उसके बाद मुझे कहीं आसपास ब्लेज दिखी नहीं, तो मैंने सिर्फ एक ही ब्लेज के साथ मैं वापस आ गया। और वापस आते मैंने सबसे पहले ट्री फार्म की सारी सारी टॉर्चेस हटा दी ताकि वहां और भी ज़ॉम्बीज स्पॉन हो, और लकीली मुझे ज़ॉम्बी ब्लेजर भी मिल जाए। और वैसे मुझे सिर्फ दो ज़ॉम्बी ब्लेजर्स की जरूरत थी, तभी मैं दोनों को क्योर करता आराम से, और दोनों ब्लेजर से मैं पूरा कपड़ा एक विलेज बना देता। लेकिन अभी मुझे बहुत टाइम वेट करना था इसके लिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि ना नेदर वॉट की खेती करी जाए, और मेरे घर के नीचे काफी जगह खाली थी तो मैंने जाकर वहां खेती करने वाला था। लेकिन अभी मुझे जरूरत थी सोल सैंड की, और सोल सैंड लाना मैं बिल्कुल ही भूल गया था। तो एक बार मैं फिर से चला गया नेदर में, और वहां से मैं सोल सैंड लेकर आया, और फिर मैंने जाकर नेदर वॉट की खेती करी। और डे 20 को मैं चला गया माइनिंग करने, क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ने वाली थी डायमंड्स की, क्योंकि मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर वगैरह बनाने वाला था, जिससे थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस हो रहा। और दो दिन तक माइनिंग करने के बाद भी मुझे सिर्फ 6 ही डायमंड मिले, जो कि बहुत ज्यादा ही कम थे, तो इनसे मैं कुछ नहीं कर सकता था। और साथ साथ मुझे जरूरत पड़ रही थी फूड की, और फूड के लिए मेरे पास फार्म जो था वो काफी छोटा था। तो डे 22 को मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक फार्म बना दिया जाए, एक बड़ा सा फार्म, घर भी बन चुका है तो अब बस फार्म की जरूरत थी। तो डे 22 को मैंने फार्म बनाना स्टार्ट करा। और फाइनली फार्म बनके तैयार था, और डे 25 को मैं आराम से फार्म दिखाने के लिए आ ही रहा था उछलते कूदते हुए कि मैंने गलती से एंडमैन की आंख में देख लिया। और इससे पहले मैं कुछ बोलता कि एंडमैन भड़क ही गया और मेरे पे जानलेवा हमला कर दिया। जान बचाने के लिए मैं अपने घर में तक घुसा, लेकिन घर में क्या ही बचा पाता। फिर जैसे तैसे करके मेरा दिमाग चला और मैं सीधा बाहर आया और सीधा पानी में कूद गया। लकीली मेरे आसपास पूरा पानी था, वरना डे 25 की जर्नी डे 25 को ही खत्म हो जाती। और फिर बाकी दिन कुछ नहीं, मैंने आराम से एंडमैन को बोट में बैठा के टॉर्चर करा, और आखिरी में उसे जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद तुम देख सकते हो मैंने आराम से अपना फार्म जो पूरा कंप्लीट कर चुका था, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो ऐसे जो मैंने कंप्लीट करे 25 डेज एक सर्वाइवल आइलैंड पे, और होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जोड़ते हुए जाना, और सच्ची में इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो प्लीज यार मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा दो। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्द से जाओ नीचे तो मैं सब्सक्राइब बटन दे उसे प्रेस करो, सामने उसके बेल आइकन दे उसे भी प्रेस कर देना ताकि तुम्हें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और बस चलता हूं मैं भी, और मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।